हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में कन्वर्ट करेंगे एक 220 वोल्ट के हाई स्पीड एयर ब्लोअर को एक 12 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड मोटर की मदद से 12 वोल्ट के एयर ब्लोअर में। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये एक हाई करंट 32 एम्पियर का डीसी मोटर है बॉश का। और ये जो है कनेक्टर केबल है जिसके दो तार निकले हैं, और ये कनेक्टर जाके इसमें इजीली फिट हो जाता है। तो ये जो मोटर है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये बहुत ही कम वोल्टेज पे ज़्यादा करंट लेकर बहुत ही हाई आरपीएम दे देता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो इसका आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उन्होंने वो बहुत ही थिक, जैसे कि स्टार्टर मोटर की होती है ना वाइंडिंग, कार के स्टार्टर मोटर की या फिर बाइक के स्टार्टर मोटर की, वैसी इन्होंने वाइंडिंग दे रखी है। आप देख सकते हैं स्पार्किंग 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने पे कितनी ज़्यादा निकल रही है और कितना ज़्यादा टॉर्क है। पूरा हाथ हिल जा रहा है जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं कनेक्ट करके। बहुत ही कमाल का रोबस्ट मोटर है। तो अब ये आप जब देख सकते हैं, ये एक 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला हाई स्पीड एयर ब्लोअर है जिसके अंदर एक यूनिवर्सल मोटर हुआ करता था, लेकिन वो मोटर ख़राब हो गया। आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग दोनों की दोनों जल गई। ऐसा बुरा हाल था कि अब रिपेयर करने लायक तो नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक 12 वोल्ट के ही ब्लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस मोटर को निकाल के किसी और काम में ले आएंगे और इसमें लगा देते हैं, फिट कर देते हैं एक हाई स्पीड 12 वोल्ट का पावरफुल मोटर। तो दोस्तों, ख़ास कुछ नहीं है, जो स्विच है जो इसमें लगा हुआ था उसको वैसे ही कनेक्टेड रहन देंगे और टोटल दो तार आएंगे, ठीक है। उन दो तारों पे हमारा एक पावरफुल डीसी मोटर जुड़ जाएगा आके। और डीसी मोटर तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। स्विचेस से इसको वापस टाइट कर देंगे खोलते हुए। हालांकि मैंने इस पीस को आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आई थिंक मैं बहुत पहले ही इसका वो निकाल चुका था अंदर का मोटर, और खाली केसिंग ही बाकी रह गई थी। अब ये बारी आ जाती है मोटर को इसमें लगाने की। लेकिन अभी किनारे की जो साइड्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ मशीन, ये सोल्डरिंग आयरन के काम भी आ सकता है और प्लास्टिक को जोड़ने के काम आता है, प्लस प्लास्टिक को काटने के भी काम आता है। ये एकदम छील देता है हीट कर कर के, जैसे वहाँ पर जहाँ पे आपकी लाइक एंगल ग्राइंडर या ड्रेमल टूल्स नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर इसकी मदद से प्लास्टिक की कटिंग होती है, और ताकि उसको थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग साइज़ में कम किया जा सके। अब यहाँ पे बाहर एंगल ग्राइंडर पहुँचाया जा सकता है आसानी से, और गांव में अच्छा चाहिए, तो इसलिए मैं एंगल ग्राइंडर के यूज़ करके इसको काट रहा हूँ। इसको काफ़ी हद तक अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो ब्रश के स्लॉट दे रखे थे प्लास्टिक की बॉडी पर, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है तो काट दे रहे हैं। अब दोस्तों, पुराना जो मोटर लगाया दिखाया था आपको, उसकी जगह पे ये वाला मोटर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। मोटर में ख़ास कोई फ़र्क नहीं है, ये भी बॉश का ही है, 32 एम्पियर का ही है मोटर 12 वोल्ट पे चलने वाला। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इसकी बॉडी है उसका डायमीटर, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए चला के दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी भी सेम टॉर्क एंड आरपीएम है, अच्छा खासा हमें टॉर्क मिल रहा है, तो बहुत आरपीएम पे हमारा पंखा घूम पाएगा। तो ये मोटर जो है अच्छा खासा बढ़िया तरीके से इसमें फिट आ रहा है, इस वजह से इस मोटर को मैंने चुना। पहला वाला मोटर जो है बहुत ढीला ढाला अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ये मोटर है ना परफेक्ट फिटिंग का है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना इसमें ज़रूरी था। अब इसके ऊपर ब्लोअर का जो बेस हेड है उसको लगा देंगे और उसको पेचों से टाइट कर देंगे ताकि हमारा स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाए। फिर आ जाएगा हमारा फ़ैन को कनेक्ट करने का पार्ट। देख सकते हैं कि चारों के चारों पेच मैंने लगा दिए हैं इसमें। और ये जो ड्रिल मशीन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत पहले मेरे पास एक पुरानी ड्रिल मशीन पड़ी थी, उसको मैंने स्क्रू ड्राइवर में बदल दिया। उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरी लिस्ट में वीडियो की लिस्ट है, मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, ड्रिल मशीन टू स्क्रू ड्राइवर। अब ये जो फ़ैन है मैंने इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं क्रैक्स आ गए हैं शायद निकालने में, तो उसको मैं क्या कहते हैं सुपर ग्लू की मदद से जोड़े दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट की 7 एम्पियर की बैटरी चला के दिखा रहा हूँ, जिसका वोल्टेज काफ़ी डाउन हो जाता है। रियलिटी में मैं इसको 7 एम्पियर की 12 वोल्ट की 7 एम्पियर की बैटरी से नहीं चलाऊँगा, इसको मैं चलाऊँगा जो यूपीएस का ट्रांसफार्मर नहीं होता है,
जो करीब 15 वोल्ट्स एसी निकालता है उसको डीसी में कन्वर्ट करके, और करीब करीब आउटपुट उसका 20 एम्पियर रहता है, उससे मैं चलाऊंगा इस मोटर को। अभी आप देख सकते हैं कि कनेक्शन पूरा सही बैठा है, बढ़िया तरीके से मोटर चल रहा है। तो अब जब टेस्टिंग हो चुकी है तो अब वायर्स को पक्के तौर पर सोल्डर कर देते हैं। अभी फ़िलहाल सोल्डरिंग का काम चल रहा है और ये वायर सोल्डर हो चुका है। अभी भी मोटर को प्लास्टिक का जो हमारा केस है जिसमें मोटर मैंने ला के फिट किया है उस पर टाइट करना है किसी मेटल के पत्ती की मदद से, क्योंकि अभी भी मामला ढीला ढपेल हो सकता है कि कभी मोटर स्लिप कर जाए या अंदर से फ़ैन निकल जाए। तो मामला पूरा रोबस्ट होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस मशीन को एक्चुअली मैं अपने लैब में यूज़ में लाऊँगा। लाइक लैब में 4-5 दिनों में काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। ये टेबल पे अक्सर मैं अपनी जो जिस पे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ वहाँ पे कभी ड्रिलिंग करी या कोई पुरानी मोटर है उसको खोला तो उसके ब्रशेस की जो एक बुरादा होता है वो आके जमा हो जाता है। तो उसकी क्लीनिंग के लिए या तो वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है या तो हाई स्पीड एयर ब्लोअर की, दोनों का अपना अपना यूज़ है। तो इसलिए मेरे पास ब्लोअर नहीं था तो मैंने सोचा इसको मॉडिफाई कर लूँ। वैसे भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा मोटर पड़ा था, मेरे पास बहुत सारे हैं, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है ये बात। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने मेटल की पत्ती ले रखी है, इससे इस चीज़ को बहुत अच्छे से टाइट कर देंगे तो हमारा मोटर और हमारा ये केस ना एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट स्टेबिलिटी और कनेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंटर्स मार्क कर देंगे ताकि उसी हिसाब से ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करें, और 2 पेच पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट हमने जो है परमानेंट मार्कर से मार्क करके छेद कर दिया इस तरफ, और यही काम एक दूसरी तरफ भी होगा। तो पहले इस वाले को टाइट कर दें, ये हो गया बढ़िया तरीके से। और पीछे की तरफ मैंने एक नट भी लगाया हुआ है ताकि वो प्लास्टिक की मदद से नहीं उसकी मजबूती और भी ज़्यादा आए। ये आप देख सकते हैं उसके ऊपर, अब क्योंकि हमारा जो पेच है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉशर्स लगाने पड़ गए हैं ताकि उसकी लंबाई को कंपेंसेट किया जा सके। मेरे पास इसके अलावा एक अलग ही दूसरा ही ऑप्शन था कि पेच को आधा काट दे फिर लगाएं, लेकिन मैंने सोचा कि वॉशर्स लगा के कर देते हैं। मेरे पास पूरा पैकेट है भर के वॉशर्स का, तो उसकी कोई कमी दिक्कत नहीं थी, तो मैंने सोचा इसमें लगा दें। और वैसे भी वॉशर्स कभी पन्नी से टूट टाट के गिर जा मतलब खुल के गिर जाते हैं तो खो ही जाते हैं, ऐसे कम से कम पता रहेगा कि कभी ज़रूरत पड़ी तो इसमें से निकाले जा सकते हैं जस्ट इन केस ड्यूरिंग एमरजेंसी में। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये लास्ट स्क्रू है जो लगना है और इसके बाद हमारा काम ऑलमोस्ट डन। और फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसकी ब्लोइंग कैपेबिलिटी कैसी है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा इरादा ये है कि इसको मैं 14 वोल्ट के UPS ट्रांसफार्मर चलाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो बैटरी होती है 12 वोल्ट की वो 7 एम्पियर वाली ही है जो मैं यूज़ करूँगा UPS की, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि मोटर इतना ज़्यादा करंट का है 32 एम्पियर का, तो वो UPS की बैटरी उसे पूरा पावर दे नहीं पाती है, जिसकी वजह से उसका 12 वोल्ट से वोल्टेज ड्रॉप होके बहुत से बहुत कितना 7 या 8 वोल्ट रह जाता है। तो इसकी वजह से सही RPM या सही ब्लो पावर मिल नहीं पाती है। और वैसे अगर इसको एक्चुअल में चलाएं कंटिन्यूस 14.6 वोल्ट जो कि 12 वोल्ट के अप्लायंसेस की या बैटरी की रेटिंग होती है उस पर हमको कम से कम 9 से 10 हज़ार का RPM मिलेगा, जो कि बहुत ही आसानी से पुश कर सकता है डस्ट को इन सब को। हालांकि अभी इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 वोल्ट पे कितना वोल्टेज निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं।